गुजरात चुनाव को लेकर हम ये पूछ रहे हैं, यहाँ पर 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। हाँ, हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार दिख रही है? मेरे को तो बीजेपी ही लगता है। ऐसा क्यों, बीजेपी क्यों लगती है आपको? अच्छा काम किया है। क्या क्या अच्छे काम हुए हैं यहाँ? वो तो हमारा गुजरात का है ना, हीरो है ना, बस सब अभी सब काम जो किया है अच्छा ही किया है। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है यहाँ की महिलाएं? मैं तो झाड़ू को नहीं मानती। अच्छा। ऐसा क्यों, वो तो वादे कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए देंगे। नहीं नहीं, उसका तो बहुत गलत बात आती है, मैं तो उसको नहीं मानती। हमारा गुजरात का है तो गुजरात को ही सपोर्ट करेंगे ना, उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? वो तो मुफ्त में कुछ भी नहीं देने वाला है, हमसे खा के हमसे ही लूटने वाला है। वो तो अपना खुद का सब कमाने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है। मैं तो नहीं मानती इसको। हमारा अच्छा। तो मोदी है ने तो सब लेडीज की सुरक्षा है और सरहद पर भी और हर तरह से हमको सब सब अच्छा लगता है भाजपा का। अब ये बताइए, उन्होंने अपना सीएम पद का जो उम्मीदवार है वो तय कर दिया है केजरीवाल ने। हाँ। और वो ईशुदान गढ़वी हैं, वो पहले महिलाओं के साथ छेड़खानी करके शराब पीकर उसमें जेल जा चुके हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे नेता के बारे में? मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ इनके बारे में, मगर वो तो उसका करो, मैं तो केजरीवाल से तो कुछ बात नहीं कर सकती, मगर मेरे को तो हमें तो भाजपा ही चाहिए। हमारे अच्छा। लिए तो हमारे कर्मचारी के सबके लिए तो भाजपा ही अच्छा लगता है। क्या किया है बीजेपी ने खासतौर पर? आपने तो पहले का कांग्रेस का भी शासन देखा होगा और बीजेपी का भी 27 साल का शासन देखा होगा। अच्छा था, मगर अभी जो नरेंद्र मोदी का जो क्या है उसका जो पर्सनालिटी है ना, वो सब विदेश में देश में सब में उसका डंका बजता है, बराबर है। और आतंकवादी है वो, एक कश्मीर में जो 370 की कलम हटाई है और जो अभी आतंकवादी है ये सब खतरा था ना, वो कम हो गया है। हमें देश में सब डर था ना, ये सब दूर हो गया है, इनसे अच्छा हो गया है। जो माता बहनाएं आपको सुन रही होंगी गुजरात की, उनको क्या कहेंगी कि क्या सोच के वोट करें इस बार? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, अपनी सोच अपने पर रखेंगे। लगभग मैं क्या बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि बीमा सब महंगवारी है, पेट्रोल के दाम बढ़। मैं बोलती हूँ आप 2 साधन चलाए तो 1 साधन चलाओ ना, आपको कहाँ महंगवारी लगती है? महंगवारी तो तुमको खाना मिलता है, सब मिलता है, तो तुम जो भी अपने शौक के लिए जो भी खर्चा करते हो तो कम कर दो ना, बराबर है ना, मोशक बंद कर दो ना, जो मिलता है वही खा के चलाओ ना, बराबर है। रोजगारी तो मिलती है, सबको मिलती है, पर सब क्या है ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में सब ऐसा कुछ एक दूसरे के चढ़ाव में आके सब गलत काम कर रहे हैं, मगर मोदी बेस्ट। अच्छा, तो ओवरऑल आपका मानना है कौन सी पार्टी आएगी? मैं तो मोदी ही मानती हूँ। मोदी? हाँ, 80% मोदी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर 5 तारीख को वोटिंग है दिसंबर में, क्या लग रहा है? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी। आपने तो सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। वोटिंग है फिर भी मैं बता रहा हूँ, बीजेपी आएगी। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, केजरीवाल का काम पहले अच्छा था, बाद में वो अभी बिगड़ गया, अभी नहीं इतना अच्छा है। जब बिगड़ गया, जो घोटाले सामने आ रहे हैं उनके, उसमें से अभी बिगड़ गया, अभी ज्यादा अच्छा काम नहीं रहा है। अच्छा। अभी बीच में वो किसी एक्टर को लाया था भुज में। हाँ। और ऐसा कुछ था सब, इसीलिए वो भी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, बाकी कोई पहले अच्छा काम था, फिर वो पाटीदार का वो लाया था गोपाल इटालिया, उसमें उसका काम अभी बिगड़ गया है। अच्छा, और जो उन्होंने सीएम फेस का ऐलान किया है ईशुदान गढ़वी, वो महिलाओं को छेड़छाड़ के आरोप में पहले जेल जा चुके हैं। ईशुदान गढ़वी का काम अच्छा है, लेकिन पार्टी का काम अभी खराब हो गया है। अच्छा। जो शिक्षा की के लिए वो मांग रहे थे उसमें से वो पाटीदार में आ गए, फिर मुद्दे चेंज हो रहे, इसीलिए उसका काम वो उसमें से प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, पहले आप आम आदमी बारे के में अच्छा सोचते थे, लेकिन अब आपको असलियत पता चली? अब असलियत पता चली है कि अब नहीं, अभी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अब किसको वोट देंगे आप? नहीं, हमको बीजेपी को ही देंगे अभी तो। अच्छा, हाँ जी, आपका मन बदल गया है? नहीं, मन बदल गया है, पहले अच्छा काम था फिर नहीं है, इसीलिए मन बदल गया और अब बीजेपी का ही देंगे। चेतन पटेल। चेतन पटेल जी, ये बताइए, गुजरात विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? माहौल तो अभी जिसने काम किया है उसका वो का है। अच्छा, किसने काम किया है जरा बताइए? काम तो अभी रोड रस्ते का हुआ है, सिर्फ वो अस्पताल का भी हुआ है काम, देखते हैं अभी लोग। बाकी तो एजुकेशन में थोड़ा वीक है, सरकार ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, क्योंकि कोरोना में जो फी कम किया था, फिर अभी तो बढ़ा भी दिया है, तो उस पर फोकस नहीं किया। फिर भी क्या लग रहा है आपको, 3 पार्टियां हैं,
आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तीनों में से कौन सी पार्टी गुजरात के लिए अच्छी है? अभी गुजरात में तो भाजपा का माहौल है, अच्छी बात है। कुछ ट्राइबल एरिया में उसका थोड़ा कम है, लेकिन आपका जो माहौल बना है पंजाब में और दिल्ली में जो काम हुआ है उसको ध्यान रखते हैं तो थोड़ा 50-50 चांसेस है कि आप आ सकता है, और भाजपा को थोड़ी सीट कम जाएगी ऐसा मेरा मानना है। सर एक सेकेंड, नाम क्या है आपका? रवि पटेल। रवि पटेल जी, ये बताइए क्या लग रहा है, गांधीनगर में आए हैं हम ये राय पता करने कि 5 तारीख को वोटिंग है, तो क्या सोच के वोट करने वाले हैं? वो तो विकास देख के ही वोट करेंगे। अच्छा, तो विकास किस पार्टी में ज़्यादा लगता है आपको? वो तो जो अभी है वही बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, पहले से जो मतलब कर रही है, अब देखो गांधीनगर पे वो जब से कर रही है ग्राउंड लेवल पे ही काम कर रही है, छोटा छोटा काम कर रही है, छोटी छोटी चीज़ों को देखती है वो, अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो नहीं आएगा कुछ, थोड़ा बहुत होगा मगर इतना नहीं होगा ज़्यादा कुछ। वो तो कह रहे हैं हम बहुमत से आ रहे हैं, गुजराती तो प्यार कर रहे हैं। तो यूपी में भी बोल रहे थे, कहाँ आए वो तो यूपी में, नहीं वैसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ बीजेपी आए, जो अगली बार आई थी उससे ज़्यादा सीटें आएगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा बहुमत से आएगी? हाँ, ज़्यादा ज़्यादा। पर केजरीवाल तो जो वादे कर रहे हैं चुनावी वादे कि फ्री में बिजली देंगे, 1000 रुपये पैसे देंगे, उनका क्या? नहीं नहीं, वो इधर कुछ गुजरात में कुछ फ्री नहीं चलेगा, इधर तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, वो जैसे कह रहे हैं कि यहाँ किसी 27 साल से बीजेपी है तो एक भी विकास का काम नहीं है, लेकिन आपने क्या देखा खुद आंखों से? नहीं, होता क्या है कि 5 या 10 साल में कोई भी पार्टी हो तो इसके सामने एंटी इनकमबेंसी हो जाती है, तो 27 साल हो गए फिर भी बीजेपी आ रहे, तो सोचो कितना काम किया होगा आपका। शिवा गुप्ता, आप यहाँ पे काम करते हैं, आप ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं महंगाई है महंगाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि? महंगाई तो है सर इतना, क्योंकि सब जगह इतना टैक्स भी तो इतना बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से महंगाई करना पड़ता है। आमदनी कुछ बढ़ी है? आमदनी भी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे पीछे पहले कुछ भी नहीं था, पहले जंगल जैसा था, क्योंकि अभी इतना डेवलप हो गया ना, तो इसके हिसाब से आमदनी भी बढ़ गई सब ऐसे। अब ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है पूरे गुजरात और गांधीनगर खास तौर पे इस एरिया में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखो तो पहले से तो आई है तो बीजेपी ही आई है, तो वही आने वाले हैं, उसके आगे तो फिर कोई नहीं है, तो क्योंकि मेन के आगे वाले जो नए जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ नया सीखने मिल रहा है, देखने मिल रहा है, क्योंकि बस मोदी सरकार है, मोदी जी वही चाहते हैं कि सबका सबको आने वाले बच्चे उनको नया नॉलेज मिले। अच्छा, अभी आपने देखा रिवर फ्रंट में क्या हुआ, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं, ऐसे बहुत चीज़ देखने मिलेगी। आप ये बताइए, आप खुद युवा हैं और आप ये काम कर रहे हैं, कई लोग ये शिकायत करते सरकार के साथ कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ गई, उन युवाओं को क्या कहेंगे आप? ऐसे तो रोज़गारी नहीं बढ़ गई, क्योंकि सब जगह काम है बहुत, क्योंकि आप जाओगे ढूंढोगे तो ही आपको काम मिलेगा ना, ऐसे बैठे बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी मोदी जी बोलेंगे चलो साथ में कि मैं आपको काम दिलवा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद जाके चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ़ तो होगी सर। आप ये बताइए कि जैसे जो नई पार्टी आई है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी, वो जैसे वादे कर रही हैं कि हम फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो कुछ भरोसा है उन पे? अभी तो उनके बारे में इतना पता नहीं, शायद जहाँ उनका ज़्यादा चलता है तो वहाँ पे शायद मिल जाए, अभी यहाँ का तो मेरे को मुझे मालूम। आपको लगता है कि यहाँ उनका कोई वो नहीं है? ऐसा तो नहीं बोल सकता, हो भी सकता है अगर वो कोशिश करे तो यहाँ पे, क्योंकि सबकी सरकार है, वो अपने आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक ठीक, जैसे उन्होंने अपने सीएम पद का उम्मीदवार का जो ऐलान किया है वो ईशुदान गढ़वी, वो पहले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुके हैं, तो क्या ऐसे नेता को गुजरात का मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त वो उम्मीदवार बनाना सही है कि क्या? वो तो फिर यहाँ की जनता ही बताएगी, उनके ऊपर है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। ठीक ठीक ठीक, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिनेश है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? मोदी ही आएगा वो तो मुझे लग रहा है। क्यों, आप तो पहले भी कांग्रेस की सरकार जानते हैं, अपने देश का तो मोदी ही है, तो मोदी ही आएगा सर। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? अब वो तो है नेता है, उन लोगों का क्या कह सकते हैं, अपने हर किसी का अलग अलग हिसाब है। आप ये बताइए 27 साल पहले वाली सरकार भी देखी होगी आपने कांग्रेस की, उस समय क्या हालात थे और अब कैसे हैं? अभी तो अच्छे ही हैं, अभी तो अच्छी है मोदी। उस समय कैसे हालात थे? उस समय तो सस्ता था बिल्कुल, बिल्कुल सस्ता था, अभी महंगाई के हिसाब से तो फिर भी अच्छा ही है जिस हिसाब से। ठीक ठीक, आमदनी होती है? हाँ, होती क्यों नहीं है, मोदी के हिसाब से तो आराम से अच्छी होती है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नाम क्या है सर आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार गुजरात में चुनाव होने वाले, किसकी सरकार दिख रही है?
सर ये तो हमको नहीं मालूम, हम मजदूर आदमी हैं, मेहनत करते हैं, उसके विषय में जानकारी तो रखते नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी जब आप वोट देंगे तो क्या लग रहा है मजदूरों के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा हाँ, लोग तो कह रहे हैं महंगाई हो गई, मजदूरों पे मार पड़ रही है, कोई आमदनी नहीं है। वो तो सब अपने अपने विचार की बात होती है, एक आदमी हर लोग को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अपने अपने नज़रिए से सब लोग देखते हैं, तो जो सब जिसको समझ में आता है वो बोलता है। इस बार मजदूर किसके साथ हैं? अब ये जानकारी नहीं है सर, ये अपने को जानकारी नहीं है। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? हम लोग राजनीति के विषय में कहाँ सोचेंगे, अपने तो सुबह से शाम तक मेहनत करना है, राजनीति के विषय में कोई धन्यवाद। मयूरेश उपाध्याय, क्या लग रहा है उपाध्याय जी, इस बार गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, आप वोट करने वाले हैं? वोटिंग कार्ड बन गया आपका? नहीं बना है मेरा, अभी नहीं बना है। वोट करेंगे? कार्ड ही नहीं है, कहाँ से करूँगा। अच्छा, कितने साल के हो गया? 18 साल के हो गए, तो मतलब आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। हाँ। ये बताइए, अब गुजरात में विधानसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की आनी चाहिए, बाकियों की क्यों नहीं आनी चाहिए? वही विकास करते हैं ना मोदी जी। सर नाम क्या है आपका? जावेद। क्या लग रहा है जावेद जी, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली गांधीनगर में भी, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है इस बार? 50-50 है। अच्छा, केजरीवाल दिखता है अभी तो। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ लंबे समय से है, क्या लग रहा, कुछ काम किया उन्होंने? आपको क्या दिखता है? नहीं नहीं, आप बताइए, हम तो आपकी राय जानने आए हैं कि जनता ने मालूम होगा ना। नहीं नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, तो हमें 27 साल से तकरीबन बीजेपी अभी है, आपको मालूम होगा किसने क्या काम किया अभी। नहीं नहीं, हम तो जैसे पहली बार कोई आता तो उसे पता नहीं चलता पहले मालूम है क्या काम किया बीजेपी ने। आपको थोड़ा मालूम, आप रिपोर्टर हो तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा ना कि बीजेपी ने क्या काम किया। पब्लिक होती है वो सही राय बताती है, हम तो चलो किसी को लगता है ये बायस ओपिनियन देना चाहिए केजरीवाल को। अच्छा, बीजेपी ने 27 साल में कुछ दिखा, लेकिन जो केजरीवाल के नेता है वो तो जेल की हवा खा रहे हैं इस बार। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी, नई पार्टी भी आई, वो कुछ भी हो लो, महंगाई कम करो, अभी गरीब इंसान खाएगा क्या? अभी मुद्दा कोई भी तो आप किसी को भी पूछो, मुद्दा ये रखेंगे कि भाई गरीब थोड़ी महंगाई कम कर दो, पहले भी 27 साल है मुद्दे, दूसरे 50 साल बीजेपी रहनी चाहिए, पर महंगाई थोड़ी कम कर दे। अच्छा, महंगाई कम हो जाए, 50 साल रह ले, महंगाई की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चाहे पार्टी केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, महंगाई कम कर दो। गाड़ी वाले गाड़ी लेने घूमेंगे उस पर तुम महंगाई कर दो, गाड़ी की महंगाई कर दो तुम। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पब्लिक के सामने रखा है कि जो इसुदान गढ़वी हैं, लेकिन उन पर पहले महिलाओं के छेड़छाड़ के आरोप में वो जेल जा चुके हैं, तो क्या ऐसे नेता को मुख्यमंत्री पद का नहीं देना चांस? नहीं देना चाहिए, अपनी राय तो नहीं देना चाहिए। पॉलिटिक्स गुंडागर्दी ज़्यादा करती है अभी तो। तुम्हारे मेरे हिसाब से सच बोल रहा हूँ, मेरा चेहरा भी फोटो भी दिख जाएगा, तो भाई पार्टी पे कुछ भी कोई मुकदमा करो, ऐसी बात हो सकती है अभी यार। तो आपको ओवरऑल क्या लग रहा है, किसका इस बार जोर ज़्यादा लग रहा है, कौन बना सकता अभी? केजरीवाल का दिख रही है अभी तो। ठीक, केजरीवाल का लग रहा है आपको? ठीक। क्या सर आपका? दिनेश यादव। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? अब हम क्या बता सकते हैं, नहीं आप तो युवा हैं, आप तो हर पार्टी को देखते होंगे। रोजगार देगा उसी को। तो कौन दे रहा है रोजगार? अब ये टाइम आएगा तो अपना दिया जाएगा। जैसे केजरीवाल के वादे कर रहे हैं कि फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, हमारी सरकार एक बार बना दीजिए। सब लोग तो फ्री का वादा करते हैं, लेकिन बाद में देता कोई नहीं है, बस नाम का सब है। भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा किस पे? भरोसा किस पे है फिर? अभी बता नहीं सकते, क्योंकि वोट के समय अभी देंगे तो अपना देंगे। धन्यवाद। नाम राजू। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, क्या सोच के वोट करने वाले हैं? जहाँ 50 आदमी जाएगा तो वहाँ भी है खड़ा। अच्छा, बस कहाँ खड़े हैं 50 आदमी, किसके साथ हैं? नहीं तो हम तो अभी अकेले हैं ना, जब होगा 10 आदमी चलेगा वो हमको भी जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी ये बताइए, 3 पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। बाबा जो है 10 आदमी का साथ में वो हमको भी जाना पड़ेगा। अच्छा, बस ठीक ठीक। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अलाउद्दीन है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखो सर, अब किस्मत की बात है, कौन क्या है नहीं है, अब हरे कोई तो बोल रहा है कि मैं जीतूंगा। अब उसी टाइम पता लगेगा कि किसका पल्ला भारी होता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है इस बार? अब देखो, अब जिस दिन ये हुआ तो उसी दिन तो पता चल गया कि मतलब वो जीतेगा, समझे ना, उसी दिन पता चल गया कि वो जीतेगा, समझे ना। आपको क्या अनुमान लग रहा है कौन जीत सकता है 3 पार्टियों में से? देखो अब ऊपर वाला ही कहेगा कौन क्या क्या नहीं। आप ये बताइए, यहाँ
बीजेपी लंबे समय से, कुछ काम किया है उन्होंने? जी जी काम तो किया है, बहुत किया है काम, काम तो किया है। क्या क्या काम हुए? काम और जगह सारा कुछ किया है, सड़क घाट इधर उधर देखभाल हर एक चीज, वही बात। मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है अल्पसंख्यक होने के नाते, क्योंकि जो विरोधी हैं वही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है। अब इतना तो हम नहीं कह पाएंगे, किसी का दिल का बात, मेरा दिल में क्या है नहीं कह पाएगा कोई। अच्छा। कोई नहीं। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? अब तो इतना हमको ये नहीं है। हम वो तो कह रहे हैं हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं, बन भी सकता है अगर अगला अगर सही सही काम किया है, करेगा काम, 10 आदमी करेगा तो कर भी सकता है। अच्छा जी। और बीजेपी के बारे में? ठीक है सारी, जो भी चल रहा है अभी ठीक है, समझिए ना। बाकी सरकार का तो ये है, वोट आया करो, जीतो करो हारो, नहीं वो लोग तो एक जगह रहता है, बाकी आदमी तो मरता है, गरीब आदमी मरता है भूख से, यही है ना, और क्या। धन्यवाद। आपका हमारा खत्म होता है ना। ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ईश्वर भाई, क्या लग रहा है यहाँ तो 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, किस पार्टी की इस बार जीत हो सकती है? वाह, किसकी जीत लग रही है? किसकी जीत? 5 तारीख को वोटिंग है, 3 पार्टियां हैं गुजरात में, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? अपने बद्दी पार्टी अच्छी लगती है। कौन सी? बद्दी, कांग्रेस, भाजपा, बद्दी, सभी लगती हैं आपको? सब भी लगती है। किसका काम अच्छा लगता है आपको? काम करिए बदू। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद।